जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। देवधा में सीमेंट गिट्टी व्यवसायी के घर में भीषण डकैती, बदमाशों ने पिस्टल के बल पर नकद समेत लाखों के जेवरात लूटे। बिहार के मधुबनी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं आम हो गई है। अब एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने सीमेंट गिट्टी व्यवसायी के घर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात अपराधी गृह स्वामी को पिस्टल के बल पर बंधक बनाकर लाखों के जेवरात एवं नकदी पैसा लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार की ओर से स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना देवधा थाना क्षेत्र के भीवाईपी स्कूल के निकट मेन रोड देवधा की है। घर में छत के रास्ते से पहुंचकर डकैतों ने हथियार की नोक पर घटना को अंजाम दिया है। गृहस्वामी अजय पंजियार ने बताया कि नकाबपोश अपराधी करीब एक दर्जन की संख्या में थे। आपस में बात भी कर रहे थे। पिस्टल का भय दिखाकर बंधक बना लिया और स्प्रे छिड़कर हम लोगों को बेहोश कर दिया। चाबी लेकर इत्मीनान से अलमारी में लाखों की जेवरात और नकद पैसा लूट ली। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर देवधा थाना अध्यक्ष प्रीति भारती ने बताई कि पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। बहुत जल्द सभी अपराधी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। लमसम 1 बजे की रात में डकैत कुछ आए हुए थे, जो एक दर्जन के हिसाब में थे यहाँ पर, और रात में छत पे होके चढ़ के आए। उसके बाद हम लोग को रूम में पैक करके स्प्रे मार दिए हुए थे, और उसके बाद पूरा घर में गोदरेज तोड़ के डकैत किया। आपको कैसे टेकअप किया? हमको रूम में तोड़ के पहले रूम में घुसा और जो सामान था वो छीन के और स्प्रे लगा दिया मुँह में। उसके साथ नोकझोंक भी आपसे? नोकझोंक हुआ तो यहाँ मारा टेगारी लेके अकनपट्टी पे बंदूक सटा दिया था। क्या नाम हो गया? अजय कुमार पंजिया। अच्छा, कितना का संपत्ति लूट ला? क्या मतलब कैश है, गहना है, जेवरात है? वो कैश कुछ होगा, जो कल का कलेक्शन था दुकानदारी जो ये था। गाना में क्या सब ले लिया? गाना में परिवार का जो गाना है। क्या चीज का दुकान चलाते हैं आप? सीमेंट वालों का। परिवार वालों के द्वारा प्रशासन उस समय आया है यहाँ, छानबीन अपना जारी रखे हुआ है। अभी तक ठोस सबूत कोई नहीं मिला है, ना हम लोग को कोई जानकारी दिया गया है ठोस सबूत का। क्या क्या चीज ले गया है यहाँ से? इनके घर से कुछ जेवर जेवरात मिले गया है, कुछ नगद रुपया पैसा भी ले गया है। और लोगों को यहाँ पर जो आया वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग को बेहोशी कर दिया गया स्प्रे करके। जब होश आया वो लोग चल गया, उसके बाद में ये लोग बाहर निकला, अपने भाई लोगों को जगाया उठाया, उसके बाद प्रशासन को खबर किया गया। अपना तो मेरा नाम समू कुमार माथो, जवरा श्री मुखिया। देखिए, आज जो ये रात के 1 बजे अजय पजियार जी के यहाँ जो डकैती का घटना घटा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। साफ साफ पुलिस की लापरवाही यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इससे पूर्व भी आपने देखा होगा कि धनियापट्टी में, जो कि यहाँ सेफ जोन माना जाता है धनियापट्टी, वहाँ भी बहुत ज़्यादा डकैती का घटना हुआ। और आए दिन कुछ न कुछ इस प्रकार से घटना यहाँ पर हो रहा है, वो सामाजिक हित में भी। और जिस प्रकार का नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू का पदवी लिए हैं और उनके सुशासन में इस तरह का हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही साथ यह घटना जिस तरह से अजय पजियार जी ने जो बताया है कि स्प्रे मार के पूरे हथियार से लैस लोग आ कर गए, और चूंकि सीमावर्ती एरिया है यह, और यहाँ और ऐसे समय में जबकि प्रशासन की बहुत ज़्यादा मुस्तैदी है और आम चुनाव सर पे है, 1 सप्ताह भी नहीं है अभी उसमें, और ऐसे समय में होना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और जल्द से जल्द एसपी साहब से आग्रह करता हूँ कि यदि इस पे कार्रवाई नहीं हुई और जो भी इसमें संलिप्त है यदि वो दोषी पकड़ा नहीं गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। और पूरे सरपंच संघ की ओर से, क्योंकि प्रशासन हम लोगों के भी अंदर में आता है, और पूरे सरपंच संघ इसका विरोध करेगी। क्या सब नाम हो गया? मैं सुजीत शाह, देवधा उत्तरी सरपंच, सह प्रखंड अध्यक्ष, सरपंच पंच संघ जयनगर। अनुमंडल में
इस टाइप के घटना का जो है सेफ्टी जोन है दौधा था, क्योंकि पूर्व में भी धमियापट्टी में इस टाइप का घटना घट चुका है। बराबर दौधा में इस टाइप का घटना दौधा थाना के अंतर्गत होते रहा। हम इसी घटना का तीव्र निंदा करते हैं और पुलिस की विफलता हम साबित करते हैं, क्योंकि पुलिस के बिना संलिप्तता और लापरवाही का ये परिणाम है। और हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि इस टाइप के जो लापरवाह थाना अध्यक्ष है उसको अवलंब यहाँ से हटाया जाए, और सीमावर्ती इलाके में एसएसबी के होने के बावजूद भी इस प्रकार के जो खास करके दौधा थाना के अंतर्गत ये घटना बराबर होते आया है, इस पर गंभीरता से लें और इस अपराधी घटना के खिलाफ, और हमारी पार्टी भाजपा माले बहुत जल्द ही दौधा के अंतर्गत पूरे थाना के क्षेत्रों में हम पुलिस अपराधी गठजोड़ के खिलाफ एक विरोध मार्च निकालने जा रहे हैं। क्या सब नाम हो गया आपका? भूषण सिंह, भाजपा माले प्रखंड सचिव जैन। दबाई रही के मुंह मारे लगले मारे लगले तब गला सन गला में के कान में के नाक में के तो बौआ के मारे तो नहीं बौआ के नहीं मारू सब कुछ लो जा बौआ के नहीं मारे ये बहू के दबाई मुंह पर धरे छ आ तब चेक बाहर से तो गेट लगा दिल के मोबाइल चलिए तीन गो तीनों मोबाइल तक के तरीके से उठा ले कितना डकैत था वहाँ पे लमसम कितना आदमी देखे मतलब सात आठ रूम में हम तो डर से हम लोग का आँखों नहीं खुल रहा था मतलब आप लोगों को मारपीट किया क्या? मारपीट नहीं किया, मारपीट नहीं किया, वो सामान सब छीना है मतलब गाली उली पड़ता था अपना। हम लोग बोले कि जितना सामान उतना ले जाइए, हम लोग को जान छोड़ दीजिए, हम लोग उठबो नहीं किए हैं। घटना स्थल पुलिस कितने बजे पहुँची पड़ता था? आधा घंटा के बाद हम लोग का मोबाइल तो बाहर से गेट लॉक कर दिया ना, इसके बाद हम सब चले गए आधा घंटा के बाद, तो हम लोग हल्ला किए तो नहीं क्यों सुने, तो फिर गेट के अभी काट कर तब बाहर गए, तो बाहर गए तो भाई जी सबको हल्ला किए, तो भाई जी सब निकले बाहर से, तब हम लोग अपना फ़ोन किए तो सब आदमी जमा, हम लोग के पास तो मोबाइल नहीं तो फ़ोन किसके करें। क्या नाम है आपका? अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। अरे आदव जी, आज आप यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं पूर्वे जी, मैं दरअसल बेटे को पॉलिटेक्निक कराने की सोच रहा हूँ, लेकिन यार इतनी बड़ी इंडिया है, कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी सही रहेगा ये समझ ही नहीं आ रहा है, इसी का सलूशन लेने आपके पास आया हूँ। यादव जी, इसका सलूशन मेरे पास नहीं बल्कि वाइब्रेंट के पास है। ये आपको उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान के सभी टॉप कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, और तो और मैनेजमेंट कोर्स, मेडिकल, पैरा मेडिकल कोर्स, फार्मेसी, इंजीनियरिंग ऑल कोर्स, कृषि से संबंधित कोर्स, लॉ और दूसरे रोजगार मुखी कोर्स करवाते हैं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी सर्विस देते हैं। मैंने भी अपने बेटे का एडमिशन इन्हीं के द्वारा करवाया था, इसीलिए आप भी ज्यादा ना सोचिए और इनसे ही संपर्क कीजिए। ये लोग स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा अधिकतम 4,00,000 रुपए पढ़ने के लिए सहायता दिलवाते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, पर इनसे संपर्क कैसे हो ये तो बताओ। 9955102010 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। वाइब्रेंट इंस्टीट्यूशनल क्रिएटिव्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस VIP रोड, अबव यूनियन बैंक, लहेरिया सराय, दरभंगा। इनकी दूसरी ब्रांच फ्रंट ऑफ मधुबनी रेलवे स्टेशन, टाउन क्लब रोड, मधुबनी पर है। मोबाइल नंबर 9955102010 या 7903826743 पर कॉल करो।